मतलब अब अब मैं परिचय तो क्या दूंगा इन लोगों ने ऐसी पंचायत बैठाई है दोनों लोगों ने कि मतलब परिचय देना ज़्यादा हो जाएगा और एक बार मैं पुणे में फैजल भाई आ, क्या होता है नई नई जब आदमी कविता लिखना शुरू करता है तो तो अंदर से क्या होता है ना कविता कोई उसकी सुनता उनता है नहीं तो आदमी जैसे ना कहीं पर जब जाता है तो जैसे कहीं किसी को बता दो और ख़ास करके जब आप हिंदी हिंदी वाले कॉलेज में नहीं है तो मैंने कविता लिखी तो सामने वाले डरने लगते हैं अरे यार फिर सुनाएगा फिर पकाएगा क्योंकि ये तो दुनिया के बारे में इतना कुछ सीरियस सोच रहा है कि कुछ कर गुजरेगा ये तो मैं एक बार पुणे में जो मेरे को बहुत बड़ी लर्निंग रही पुणे में यहाँ से बॉम्बे एक बार्क में होता था और वहाँ पाँच सौ का टिकट लगा के और पाँच सौ का बस का किराया लगा के मैं पाँच घंटे में पहुँचता था बॉम्बे कविता सुनाने और वहाँ पर जो चालीस लोग होते थे वो वही चालीस लोग होते थे वो कोई ऑडियंस नहीं होती थी उनको भी कविता सुनानी होती थी है ना तो जैसे दिल्ली में ओपन माइक में तो यह हालत है ना कि अगर आप कविता सुनने गए तो पैसे नहीं लगेंगे सुनाने गए तो पैसे लगते हैं हम लोग ओपन माइक और जो उस दौर में तो वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो जो कर रहे थे उसको तो उन्होंने कहा कि देवी जी आप एक कविता सुनाएंगे मेरा मूड ऑफ हो गया मैंने सर पाँच मैं पाँच घंटे चल गया मैं कम से कम दो सुनाऊँगा <laughs> <laughs> तो जो <clears throat> सारी बात है कि जो हम लोगों को मौका नहीं मिला ये इन दोनों लोगों की कहानी असल में वो मौका है कि जब स्टेज जब भी मिला तो इन लोगों ने ऐसी दोनों लोगों ने कविता सुनाई ऐसी सुनाई कि अब बड़े शौक़ से ज़माना सुन ही रहा है और जो सारी बातें हो रही हैं और मैं इसीलिए उस कॉन्टेक्स्ट से बात करूँगा सिनेमा इनामा तो सब ये सब ओ टी टी होती रहेंगी बातें वही लोग करते रहेंगे ज़िंदगी भर यही करना है इनको मैं ना ये समझना चाहता हूँ कि जैसे आप दोनों लोगों को जब देखो ना तो ऐसा लगता है ना कि घर का कोई लड़का कुछ कर रहा है <laughs> है ना कि ये तो यार हमारे भैया हैं ये नहीं लगता जैसे ना एक स्टारडम है आप दोनों का लेकिन ये नहीं लगता ना कि हमारे से दूर का कोई आदमी है है ना तो मुझे वो बताओ आप इनसे पहले करते हैं शुरू है ना कि कि क्या लग रहा है परिवर्तन जो एकदम से जो झटके से हुआ होगा तो अभी तो आदत धीरे धीरे पड़ेगी लेकिन क्या जिंदगी रही क्या परिवर्तन हुआ मतलब ये जो वो आप फील करते हो जैसे जब स्टारडम या जो फेम आता है या जब आपने काम किया जिस तरीके का इतना अच्छा इतना डाउन टू अर्थ उस मतलब मैं सही बता रहा हूँ मुझे लगा कि यार नौकरी करते हो वैसे उस कार्यालय में इतना अच्छा आपका इतना रियल काम था नहीं उस, उस वाले में जैसे कि पंचायत वाले की वही नौकरी करते हो निकले और जो यात्रा थी थोड़ा वो बताओ तो मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि जितने यंग लोग बैठे हैं हो सकता है उनमें से कोई वही यात्रा कर पाए आपकी कहानी सुन के तो आप जरूर थोड़ा ब्रीफ में बताइए ताकि फिर सिनेमा और ओटीटी की बातें तो दुनिया में हो ही रही हम करते रहेंगे पहले हम कहानी की तरह समझते हैं कि मोहल्ले के कौन से वाले लड़के हैं आप और कैसी आपकी यात्रा रही सही तो या मैं ना बिहार से हूँ ये तो पता ही होगा तो पढ़ाई लिखाई में सही नहीं था और मतलब आ, सारे ऐसा था कि यार हमारे यहाँ ना सर बैटरी हुआ करता था इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो हम बैटरी भाड़ा पे लेके आते थे और फ्राइडे सैटरडे और संडे हम तीन दिन में बैटरी निपटा लेते थे और जितने भी फिल्म आते थे उस समय दूरदर्शन केवल हुआ करता था तो हम वही देखते थे बट उस समय से लग गया कि यार यही सही है पढ़ाई लिखाई मज़ा ही नहीं आ रहा था मतलब सब हो ही नहीं रहा था मुझसे मैं ना भूल जाता था कई बार मुझे लगता कि मुझे ना कोई बीमारी हो गई है हर्षिकार धर्य कर का अगर साहित्य में ये हर्षी कर फिर कुछ ना मैं दृढ़गर कर देता था तो मुझसे हो होता ही नहीं था पढ़ाई लिखाई तो सिनेमा जो छोटे शहर में जो होता है ना छोटे थिएटर हम सारे बच्चे हमारे पतंग उड़ाने चले जाते थे कोई क्रिकेट खेल रहा है और हम पिक्चर हॉल हाँ में बैठे रहते थे तो ऐसा हो गया था लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली ये अभी मैं कह रहा हूँ कि एक तो अपना घर परिवार का संस्कार है मेरे अंदर लेकिन मेरे व्यक्तित्व में विविध भारती का बहुत बड़ा संस्कार है अगर विविध भारती नहीं होता तो मैं आज मुंबई में नहीं होता है ना तो वो छोटे से रेडियो पे देश दुनिया क्या है नहीं है वो सब कुछ सुनने समझने का मौका मुझे मिला तो वहाँ से चल के फिर हमने गांव में कभी छठ दिवाली होता था तो उसमें हम प्ले कर लिए फिर स्कूल में शुरू हुआ फिर कॉलेज में पटना कॉलेज से मैंने पढ़ाई किया बी एम सी बैचलर ऑफ़ मास्कॉम तो वहाँ पर बहुत सीरियस होकर मैंने दो साल थिएटर को दिया फिर इधर आई एम सी आ गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कॉम तो यहाँ हमने पढ़ाई लिखाई के साथ जॉब के साथ थिएटर करा और ढाई साल जॉब किया दैनिक जागरण है वहाँ बहुत कम सैलरी थी मुंबई जाना था तो वो जॉब भी सिर्फ पैसे के लिए कर रहा था कि मुझे मुंबई जाना है है ना हम लोग ऐसे परिवार से थे कि अगर हम घर वाले को बोले कि जा रहे हैं मुंबई पैसा दो तो सही नहीं होता हम चार भाई बहन थे और हमें ये लगता था कि वो पैसे ये लोग ज़्यादा डिजर्व करते हैं जो बाकी के भाई बहन हैं उन पैसों का है ना हम तो कहीं से उपाय कर लेंगे तो ये था और फिर मुंबई चला गया बिना रिजाइन वगैरह किए हुए बट अच्छा एक चीज़ वो स्टार्टअप वगैरह वो कभी मेरे को फील नहीं हुआ और ना मैं होने दूंगा क्योंकि यार मैं इस पर बिलीव नहीं करता क्योंकि मुंबई मुंबई में स्टार बनने के लिए नहीं गया यार पैसा स्टार ये सब चीज़ें सही नहीं लगती मुझे पैसा इधर मुंबई दिल्ली में भी मैं पत्रकारिता करके कमा लेता है ना और मुंबई इसलिए गया हूँ कि मुझे यार इसके अलावा कुछ आता नहीं है सोते जागते मेरे दिमाग में यही चलता रहता था सिनेमा 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 स्क्रिप्ट दिन रात में यही करता था है ना तो इसीलिए वहाँ चला गया तो जैसा हूँ सर वैसा ही रहूँगा वो स्टार्टअप वाले कॉन्सेप्ट में मैं बिलीव नहीं करता और कुछ छूट गया हो तो आप बताना सही था ये वो मैं पूछता रहूंगा छूटा कुछ नहीं है छूटेगा क्या हम लोग छूटे हुए लोग तो हैं जो अब पहुंच पा रहे हैं बॉम्बे <laughs> तो फैजल भाई इससे एक बात बताइए जो इलाहाबाद इलाहाबाद हम लोग की कई बार ये बात हुई है कि जो शहर है जैसे आपसे बॉम्बे में जब भी मिलो ना तो जो अच्छी चीज़ है वो क्या लगती है कि मुझे ये लगता है ना कि आप कल अलाहाबाद से आए हैं ज़्यादा नहीं एक दिन पहले आए हैं है ना तो वो कैसे आपने बचा कर आप तो बहुत समय से है वो क्या यात्रा रही जैसे शुरू में जो मुझे एक वो पिताजी वाला जो आपका किस्सा था कि आप ऐसे निकल गए थे पहचाना नहीं था वो भी जरा लोगों को बताएं वो क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि जो लोग पढ़ने में अभी मन नहीं लगता है वो घबराएं नहीं है ना उनके लिए कुछ आप जरा बताएं कुछ जो भी जैसे मन करे है ना नहीं वो कभी कभी रॉन्ग हो जाता है एक जगह मैंने कहीं कई कही जगह बोला था आवाज़ आ रही तो उनके ही किसी घर वालों ने आके बोला कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए आप जो कर रहे हैं जो नहीं ऐसा नहीं है। मेरा अच्छा और बुरा क्या था कि घर वालों की साइड से जहाँ पे है हूँ ना मैं वो अच्छे अच्छे घर वाले मिले थे मुझे तो ऐसा कोई ख़तरनाक इंसान नहीं था जो बोलेगी ये नहीं होने देंगे ये नहीं हो सकता है बल्कि मुझे बॉम्बे में लाने वाला मेरा भाई ही है वो वो पीछे बैठे हुए हैं तो पहली बार जो है मेरे भाई ने पहुंचाया था बॉम्बे तो और जो है उससे और फिल्म विल से कनेक्शन इसलिए था कि हम सभी देखते थे और ये जो होता है पढ़ाई करना नहीं करने ज़्यादा जरूरी होता है कि जो करना है फिर उसे करना है अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो जो करने जा रहे हैं फिर उसे करिए वो बैलेंस आउट नहीं होना चाहिए कि बीस से भाग के निकल आए बोला ये भी नहीं कर पा रहे वो भी नहीं कर पा रहे और जिस सोसाइटी के पार्ट हम लोग हैं वहाँ पे बहुत प्रेशर है एक स्पेसिफिक टाइप की जॉब्स का कि या तो एक्स है या तो वाई या तो नहीं है है कि नहीं काफ़ी साल बाद तो सारे घर वाले सोचते थे आई एस पी एस सी बना डालेंगे उसके बाद इंजीनियर तक छोड़ा उससे फिर डॉक्टर फिर जो है मेजर कर्नल समझ रहे हैं कि हल्का बेचारा दौड़ने के अलग है दौड़ते ही रहो बेटा वो फ़ौज में जाना है तो वो जो है ना बहुत टिपिकली हाउस बाय हाउस ऐसा डिफाइंड है कि घर वाले सिर्फ चाहते ही हैं कि लड़का लंबा दिख रहा है फ़ौज में जाएगा अब वो बेचारा क्या चाहता है उसके उससे नहीं पूछा जा रहा है और उस और उस टाइम टाइम वाइज भी होता है कि दो जब एट्टी बॉर्न आदमी के साथ अलग है दुनिया आज आज के डेट में जो लोग पैदा हो रहे हैं उनके लिए अलग है उसके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है घर वाले भी सही हो गए हैं पर ये है कि, कि करने के टाइम पे ना फिर वो ना नहीं हो सकता है उसमें टाइम बहुत जाता है पेशेंस बहुत आता है मैं तो हमेशा ही कहता हूँ थोड़ा अच्छा धैर्य से जो है लाइफ को देखना चाहिए वो तो एक बार नहीं होगा दो बार नहीं होगा सौ बार नहीं होगा तो एक हज़ारवीं बार होगा यहाँ तक तो होगा ना यार यहाँ तो फिर उसके बाद फिर तो वो रॉन्ग है फिर जो है क्योंकि ये ये और, और जब वो करने के टाइम पर आपको जैसे मैं इनका ही ऑप्शन हमसे बहुत छोटे हैं बहुत पेशेंस बहुत है इन लोगों के अंदर में इस इस जनरेशन के लोग देता देखो खड़े रहते हैं कि अगर करना है तो करेंगे मतलब फिर वो अच्छा होता है और हम लोग जिस हम लोग जो हमारा बेस्ट पार्ट है वो हमारी हिंदी लैंग्वेज है आप किसी दूसरे स्टेट में जाइए जिस जिस हिंदी लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं तो हम हमको बाय डिफ़ॉल्ट एक हे एक अच्छे, एक अच्छे आ, हिंदी उर्दू भाषी होने हैं हम लोग जिसको जिस सबसे बड़ा टफ जॉब होता है काफ़ी एक्टर लोगों को सबसे ज़्यादा टफ जॉब होता है राइटिंग में भी कि लोग कभी कभी एक अच्छी हिंदी की स्क्रिप्ट आप पढ़िए तो अच्छी हिंदी पढ़े हुए जो है कई कई साल हो जाते हैं है ना करेगा मरेगा में चला जाता है वो तो ये तो टूल है अपने पास जिसको हमेशा यूज़ करना चाहिए बाकी जो है चलता रहेगा टेंशन नहीं हो नहीं वो आप इलाहाबाद से एक दिन पहले लौटे वो कैसे इलाहाबाद आपने इतना बचा के रखा है प्रयागराज पॉलिटिकली करेक्ट हो गया हाँ वो वो यार दोस्तों की वजह से क्योंकि मुझे मेरे दोस्त बड़े अच्छे हैं बॉम्बे में भी और दुनिया भर में भी तो ज़्यादातर श्रेय जो है वो दोस्तों का होता है क्योंकि वो हमेशा साथ रहे और जो है उस जैसा नहीं होने दिया ना ही मैंने उनको उस जैसा होने दिया तो बैलेंस आउट रहता है वो और मैं इलाहाबाद इलाहाबाद के लोग ये काफ़ी और जितने भी लोग हम आप जैसे भी कोई भी बाहर का मिलता है तो मैं मेरी कोशिश रहती है कि मिलते जुलते रहा करूँ क्योंकि हम लोग इलाहाबादी लोग कहीं से भी कह दिए हम लोग को मिलना बहुत पसंद है फ़ोन उ करके तो अगर जल्दी जल्दी नहीं मिले हफ्ते में दो तीन बार चार बार ये तो बहुत ज़्यादा है यहाँ बॉम्बे में नहीं चलता वो वो लोग मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स टाइप का होता है कि नेक्स्ट सैटरडे टू तो नेक्स्ट सैटरडे हम मिलेंगे अपना क्या होता है कि मिलना ज़रूरी है तो वो मुझे लगता है वो शायद एक इलाहाबादी खाना बहुत ज़रूरी है खा खाने खाना साथ में खाना चाहिए ये एक बेसिक बेसिक सा यार ऐसा ज्ञान नहीं है दोस्त बनाओ वो चाहे कहीं पे भी हो जैसा दोस्त तुम्हें प्यार करता हो वो तुमको जो है ना वैसे ही रखेगा दोस्त होने चाहिए आजकल दोस्त लोग बहुत कम है लोगों के है ना इसमें ऑडियंस में कोई ऐसा है क्या कि जिसको ये लग रहा है कि फिल्म ओ ओटीटी की भी बात हो ये चलता रहे ना जैसा चल रहा है <laughs> <laughs> तो क्योंकि वो तो होता ही रहेगा और उस पर भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे अगर कर पाए तो है ना <laughs> तो मुझे ये बताओ आप कि जब ये रोल पहली बार पंचायत वाला आया था आपके पास तो जैसा वो दिखता है जैसे होता है क्या ना कि कई बार जब आदमी लिखता है स्क्रिप्ट है ना जो लोग इमेजिन करते हैं तो उनको कमरे की दीवार भी दिख रही होती है कि कौन से रंग का होगा तो जब वो पहली बार आया था तो क्या चीज़ है और कैसे पहुंचा वो और मान लीजिए इसमें दो सवाल जुड़े हुए मेरे एक तो चलो आप चले गए आपको था कीड़ा कि नहीं मुझे जाना है जैसा ना एक एक उम्र के बाद जिस भी शहर में हम रह रहे होते हैं मेरा ये मानना है कि वो शहर हमारे सपने से छोटा होने लगता है ना बेचैनी होने लगती है हमें कि यार ये शहर जैसे मुझे लखनऊ को लेके होता है मैं लखनऊ में जित दिन रहता था मुझे लगता था जैसे मेरे घर में कोई आके पेपर दे ना कोई असंभव पेपर दे तो उसका सिलेक्शन हो जाए मैं तीन साल से रह रहा एक पेपर में नहीं हो रहा है मतलब <laughs> आपको एक किस्सा बताता हूँ जैसे पहले आई आई जेई का जब रिजल्ट आता था, था इंजीनियरिंग की आपने बात करी तो उसमें ना रोल नंबर आते थे पेपर में छप के अच्छा उसमें पेपर हमारे यहाँ दो आते थे एक दैनिक जागरण अमर उजाला तो आई आई जेई का प्री का पहले प्री मेंस हुआ था दो साल 2000 में हुआ था वो तो आया रिज़ल्ट तो जैसे मेरे से जैसे दो है तो दो का हुआ है दो वाले का हुआ है ऐसे मम्मी देख रही हैं हमारी तो उनको क्या लगा और मुझे लगता है हर केवल माँ को ही ये लग सकता है उनको लगा कि इस पेपर में मिसप्रिंट होगा तो उन्होंने सारे पेपर उस दिन के मंगाए और सारे पेपर में मिसप्रिंट था तो जब पहली बार उनको नाम दिखा अखबार में तो आज भी इसीलिए बेचारी काट के रखती है मैं मुझे लगता है क्या है तो नाम आना कौन सी बड़ी चीज़ है कौन सा इंटरव्यू होना बड़ी चीज़ है लेकिन आप वो सोचो कि उस औरत ने वो रोल नंबर ढूंढे हैं उसमें वो नाम ढूंढ रही थी ऐसे तो चूंकि अब आप लोगों के परिवार में ऐसा होता होगा ये चीज़ तो जो ये बेचैनी हुई तो बॉम्बे पहुंच के कैसा रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग भाई हम लोग क्या होता है ना मुंबई केवल शहर नहीं है ना वो सपने का चलता फिरता और मुंबई इकलौता शहर है जहाँ आप पंद्रह रुपए का वड़ा पाव खा के भी रह सकते हैं और पंद्रह लाख रुपए भी एक रात में कम पड़ सकते हैं वो इकलौता शहर है इस देश का तो जब आप पहुंचे तो क्या हुआ जरा वो बताओ क्योंकि असली यात्रा तो पहुंचने के कितने दिनों बाद पंचायत की शुरू हुई मुंबई तो पहुंच गया था ऐसे ही यहीं से निजामुद्दीन से ले लिया था गरीब रथ हाँ गरीब रथ पहुंच गया वहाँ तो मुंबई में ऐसा था ना कि भी था था तो कोई भी मेरा दोस्त या आसपास में कोई भी जाता मुंबई तो अच्छे ये मेरे काम का आदमी है मुंबई जा रहा है तो उससे मैं बातचीत इधर उधर लगा रहता था कि कहीं एक सहारा मिल जाएगा मुंबई जाने के बाद तो मेरा एक दोस्त विवेक वो उस समय रास््री में ए हुआ करता था तो मैं उसके भरोसे चला गया कि चलो थोड़ा एक छत मिल जाएगा और जब मैं वहाँ चला गया तो जिस दिन पहुँचा उसी दिन हम निकल चुके थे रामनगर घूमने के लिए कहाँ ऑडिशन होता है क्या होता है तो सिर्फ मैं उस दिन इसलिए गया था कि अगले 20 साल या 15 साल जितने साल मुझे लगेंगे मैं किन रास्तों से होकर गुजरना गुजरूंगा मैं वो रास्ता देखने के लिए गया था उस दिन क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी देने वाला था मुंबई को मैं एक साल दो साल तीन साल के लिए नहीं गया था जब मैं घर से निकला था ना तो आप यकीन मानिए मैं आ, अपने माँ को अपने दादाजी को या वो सब छोड़ दो मैं अपने घर के दीवार को ये देख रहा था कि मैं आखिरी बार तुम्हें देख रहा हूँ पता नहीं मैं फिर दोबारा देख पाऊंगा कि नहीं मैं मुंबई मैं मुंबई ये सोच गया था कि अब तो खबर आएगी मैं नहीं आऊँगा वापस तो ये ऐसा था कई बार रात में ये सोचता था कि यार कहीं किसी ने कहा था कि मुंबई में ना रोज चालीस पचास लोग लोकल से गिर के ख़त्म हो जाते हैं तीन चार हज़ार के बाद मेरा नंबर आ जाएगा कुछ ऐसा ऐसा डर लगता था <laughs> <laughs> तो गया और ऑडिशन शुरू किया रोज हम सुबह सुबह चना वगैरह खा के निकल जाते हैं चना इसलिए कि प्रोटीन बहुत अच्छा है कभी चावल जो जैसा था और हमारे पास पैसे बहुत कम थे तो उसी में सब कुछ करना था मुझे है ना और हम दफ्तर दफ्तर जाते कि भाई हम फिट हैं कोई कैरेक्टर है मेरे लिए कहीं अगर एक दिन भी कहीं एक जगह ऑडिशन भी मेरा हो जाए इंट्रो भी हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी मिलती थी कि चलो आज का दिन मेरा सफल हो गया और हम सुबह दस बजे निकलते चार पाँच छः बजे तक हम घूमते रहते हैं शर्ट भिंग जाता तो कहीं एसी में दो मिनट रुक जाते कि भाई सुखा लेते हैं थोड़ा पानी मिलेगा क्या पानी पी लिया फिर आगे हम किसी दूसरे ऑफिस में निकल जाते थे और फिर शाम में बर सुबह बीच के पास बैठ के माँ को फ़ोन कर लिया सुकून में। वो एक थेरेपी जैसा था बीच पे बैठना फिर आधा एक घंटा बाद फिर हम वापस और ये बदस्तूर चलता रहा लेकिन मेरे साथ एक अच्छी बात ये रही कि मुझे तीन महीने के बाद ही छोटा छोटा काम मिलना शुरू हो गया टी में तो टी ने मुझे घर चलाया मेरा किचन टी ने चलाया और उसके बाद मुझे सबसे पहला काम एक जामुन करके एक हिंदी फीचर फिल्म थी जिसमें रघुबीरिया रघुबीर सर और श्वेता वसु प्रसाद उसमें थे और उसमें छोटा सा कैरेक्टर था मेरा उसके बाद हाँ तो फिर मेरा चलता रहा फिर से हम आ गए टीवी पे और फिर संयोग से एक कास्टिंग में मेरा एक दोस्त रहता है लतिन तो उसने मतलब वो रोज आता था मेरे घर पे मेरा एक दोस्त था अंकित यादव तो वो सबको व्यवस्था करके रखता था खाने पीने का तो जैसे ही एक बज गया और मैं सबके लिए चखना बनाता था क्योंकि मुझे लगता कि यार मैं पीता उता नहीं हूं तो सबके लिए चखना बनाता तो एक बजे मतलब दिन में न, नहीं रात की बात है चा, चा। नहीं मजा कोई स्ट्रगल करे तो उसमें कमी ना रह जाए कोई <laughs> तो मैं मुझे लगता है कि यार क्या इनके लिए कुछ कर दूं कि ये मुझे खुश होकर बुला ले ऑफिस कि आजा तू कल ऑडिशन देने के लिए तो मैं उन सबके लिए चखना उखना बनाता और एक दिन मैंने पूछा कि भाई यार कास्टिंग में मैं आज तक मेरा ऑडिशन नहीं हुआ है ऑडिशन छोड़ा इंट्रो नहीं हुआ है वो लोग बाहर से ही भगा देते थे कि चलो बाद में आना इस पर मेल कर दो इस पर व्हाट्सअप कर दो तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि यार कम से कम एक मेरा इंट्रो करवा दो आप तो मैं ठीक है आ जाओ कल आ जाओ ग्यारह बजे मैं चला गया फ़ोन किया मैंने कहा लतिन भाई मैं बाहर आ गया हूँ हाँ तो तो मैंने कहा यार आपने कल बुलाया था ना हाँ 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 ठीक 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 अच्छा ठीक है रुको रुको रुक, मैं आ रहा हूँ आया और थोड़ा मतलब हुई बातचीत फिर मुझे ले गया अंदर तो उस समय पंचायत के सारे कास्ट लॉक हो चुके थे ऑलमोस्ट है ना तो एक छोटा सा कैरेक्टर बचा हुआ था इलेक्ट्रिसियन का तो बोला तू करेगा ये एक दिन क्या मैंने कहा भाई कुछ भी चलेगा यार क्योंकि उस समय ना मुझे काम नहीं दिखता था मुझे लगता था कि ये अगर पाँच हज़ार मुझे एक दिन का देगा या छः हज़ार देगा तो मेरे एक महीने के खर्च निकल जाएंगे मैं खर्च महीने के हिसाब से सोचता था है ना कि इतना पैसा अच्छा इतने महीने इतना पैसा ओ छः महीने ऐसा चलता था मेरे दिमाग में <laughs> तो उसने बोला आधे घंटा है तेरे पास फटाफट ये ऑडिशन बना ले चूंकि एक बहुत बड़े एक्टर आने वाले हैं तो मैं आधे घंटे में जो भी समझ में आया और करके निकल गया मुंबई में क्या है अगर जो लोग कभी मुंबई आना चाहते हैं उनके लिए बता दूं कि ऑडिशन दो और भूल जाओ अगर आप ये सोचोगे ना कि नहीं एक सप्ताह हो गया अभी तक आया नहीं आना चाहिए मैंने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है तो बहुत तकलीफ़ होती है तो हम सब ऑडिशन दे के भूल जाते थे फिर जैसा चंदन सर जो हमारे राइटर हैं कमाल के राइटर हैं पंचायत के उन्होंने कहा कि हम एक दिन रात में ना सब टर्सरी कैरेक्टर के जो छोटे छोटे कैरेक्टर हैं उनका ऑडिशन देख रहे थे तो उसमें मेरा आया ऑडिशन तो उनको लगा यार इसको तो ऐसे ही मतलब वन छोटे छोटे कैरेक्टर में इसको नहीं वेस्ट कर सकते हैं फिर उस समय हमारे जो डायरेक्टर हैं दीपक मिश्रा सर ये लोग फ्लैटमेट हुआ करते थे बोला यार मिश्रा मिश्रा हमने बहुत अच्छा कुछ ऑडिशन देखा है आओ देखो उन्होंने दिखाया फिर बोला हाँ यार इसमें हम विकास ट्राई कर सकते हैं तब तक विकास के लिए एक जो थ्री एडियट में एक था ना मिलीमीटर सेंटीमीटर जो एक छोटा लड़का वो तो अब बड़ा हो गया तो उसने किया था मतलब उनका ये था कि अगर कुछ कोई नहीं मिलेगा तो इनको हम ले लेंगे फिर उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा बोला हाँ यार ये सही है फिर मुझे विकास के लिए बुलाया गया ऑडिशन के लिए फिर अगले ही दिन मुझे ऑफिस बुला लिया कि भाई तुम्हारा ऑडिशन पसंद आया हम मिलना चाहते हैं आपसे मैं गया वहाँ तो दीपक सर बोलते हैं टी पता है भगवान कसम मेरे को टी पता नहीं था यार चूँकि तो मैंने बोला सर मेरे को टी बाइक पता है <laughs> टी नहीं पता था आ, कोई बात नहीं लेकिन मैंने ले, उनकी वीडियो देखे थे बहुत सारे वायरल चीजें थी तो वो तो देखना ही था फिर से उनसे पूछा कि भाई क्या करते हो कहाँ से पढ़ाई लिखाई किया है थिएटर कहाँ से किया है जो था बता दिया चलो शुरू करते हैं हम तुम्हारे साथ और इस तरह से मुझे मिल गया पंचायत और आपको विकास और इस देश को पंचायत <laughs> फैजल भाई ये बताइए क्योंकि आप मुझे लगता है रिलेक्टेंट एक्टर हैं आप कोई एक्टर वाला जैसे इसमें जिस तरीके से आपने रुलाया इस देश को ऐसे पूरा आदमी रिव्यू जैसे कई बार शो जब हिट होता है या फिल्म हिट होती है तो आप रिव्यू ना पढ़ना चाहो तो भी रिव्यू जब आप तक पहुंचने लगता है तो समझ में आ जाता है कि शो हिट है या वो हिट है और आपने जैसे मुझे पता था कि अब रोना है अगले एपिसोड में है ना <laughs> जैसे मैं मैं केवल तीन दो फिल्में और हैं जिसमें मैं रोया हूँ और आपको तो तब तक मैं जान वैसे नहीं जानता था पर्सनली हम लोग नहीं जानते थे जैसे आनंद हो गई एक बंगाली फिल्म है बिला शेषे अगर पता नहीं किसी ने देखी है नहीं देखी है। मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप पॉज़ करेंगे रुमाल लेके आएंगे रोएंगे तब आप जाएंगे उस फिल्म से बाहर निकल पाएंगे और तीसरा ये जब जो, जो इन्होंने इस देश को जो मतलब रुला दिया ये भी बड़ी बात है बहुत लोग हंसा रहे हैं तो वो भी ज़रूरी था कि थोड़ी आत्मा की शुद्धि के लिए जरूरी हो आप जब जैसे मतलब आपने जो शो बनाया है वो वाला हिस्सा जो कि कम लोगों को वो जानकारी है वो आपका अनुभव कैसा रहा कैसे आपने शुरू किया और चूँकि मैं चाहता हूँ शो के बारे में आप बात करें क्योंकि वो बहुत अच्छा शो है और लोगों को उसके बारे में और पता चलना चाहिए जो आपने ये जो आ, स्मोक जो बनाया आपने यहाँ तो वो थोड़ा अपनी यात्रा बताएं कि आ, क्या है शो कैसे है और वर्सेज यहाँ पे प्रहलाद चाह होते हुए नहीं मुझे शो बनाना बहुत पसंद है तो अगर एक्टिंग और शो बनाने में कोई ऑप्शन दे तो मुझे शो बनाने का बहुत शौक बहुत मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस वो है क्योंकि वो वो जो एक्सरसाइज होती है ना वो लोग कहते हैं कि डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है ना तो प्रोड्यूसर जो है मदर ऑफ़ द एंटायर थिंग होता है जो हम लोग करते हैं टेक्निकली क्योंकि वो सबसे टायरिंग जॉब होता है क्योंकि वो एक्टर आके एक्टिंग करके चला जाता है प्रोड्यूसर एक ऐसा आदमी होता है जो शुरू में भी गाली खाता है एंड में भी गाली खाता है उसको कोई बिला के अवार्ड नहीं देता है सब के लिए अवार्ड है प्रोड्यूसर के लिए नहीं है वो बेचारा अगर उसका प्रोडक्शन वाला सुबह अगर नया जूता पहन लेता है तो देखना देखा गायब करके पैसा कमा के ही कर रहा है सच में स्पॉट बॉय सोलह घंटे काम करता है पर कोई उसके बारे में अच्छा ही नहीं बोलता क्योंकि प्रोडक्शन होता है वो एक्टर आता है गाड़ी में बैठता है मेकअप लगाता है एक्टिंग करके घर चला जाता है पर जो इसको बनाने में ना बेसिक पूरी लड़ाई में वो स्पॉट बॉय से शुरू होती है तो मैं वो काम कर चुका हूँ तो मुझे वहाँ से वहाँ तक का जर्नी पता है कि एक कंटेंट को सोचने में उसको ले जाके शूटिंग करने में अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो फिर एक एक जो ज़िंदगी और मौत के बराबर होता है मैं जब अपना पहला शो बनाया था जब मैंने मतलब प्रोड्यूस करने की बात की कर, नौकरी करता था मैं और मैं सारी नौकरी कर चुका हूँ जिस भी तरीके का जॉब होता है हाँ टेक्निकली एक बार स्पॉट बह रह चुका हूँ एक बार फ्लोर मैनेजर कहते हैं एक बार लाइव टीवी में ना फ्लोर साफ़ होता है क्योंकि वो लाइव टीवी में दिखता है जाने जब अगर आप कोई लाइव शो करेंगे तो एंकर होता है बोलता है वेलकम टू तो दिस एंड दिस्ट तो एक नीचे लोगो होता है ऊपर घूमता है तो मेरा काम था बार बार जाके फ्लोर साफ़ करना क्योंकि फर्स्ट कैमरा वहीं लगता था तो मैं दो तीन दिन लगा रहा उसी मैंने कहा भाई ये काम तो है का? और क्या है कि जो बताने वाला क्योंकि कैमरे से देख रहा है तो खाली उसकी आवाज़ आ रही है राइट में देखो राइट में राइट में लेफ्ट में देखो लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट में <laughs> तो वो जो वहाँ मैंने क्योंकि मुझे टेंशन नहीं था काम करने से क्योंकि एक टाइम तो ये पता था ना कि भाई अगर आपने कोर्स नहीं किया है तो यही सब कर लो धीरे धीरे करके तो और जो दो चार काम देते गए मैं वो करता गया मैंने एक टाइम लाइफ में डिसाइड किया कि अब मैं ये क्योंकि एक टाइम में एसोसिएट डायरेक्टर टाइप था कुछ शो का रियलिटी टीवी का फिर मैंने खुद से सोचा एक बार एक चीज़ का प्रोडक्शन किया मैंने बोल बॉस अब लाइफ में प्रोड्यूसर बनना है एक्टर बनने के लिए कभी नहीं सोचा मैंने फिर मैंने दस बारह साल पहले कंपनी खोल डाली सोच के कि देखा जाएगा जो होगा अब प्रोड्यूस करेंगे और जाएंगे कंटेंट डेवलप करेंगे और क्लाइंट के पास जाएंगे बोलेंगे ये कंटेंट है ये आपको बनाना है तो बताइए हमको पैसे दीजिए हम बना के देंगे ये साल दो हज़ार बारह तेरह दो हज़ार दस में मैंने दो हज़ार दस में दस साल मैंने आठ साल नौकरी करने के बाद दो हज़ार दस दो हज़ार दस में मैंने अपनी कंपनी खोल ली थी मेरे पास एक आ, लिनोवो का लैपटॉप था सोलह हज़ार रुपये का छोटा वाला लिया था मैंने उसमें एक्सेल शीट वीट डाल दी और पी पी टी सी टी बना के पहुँचने लगा रोज़ जाके कि बस देखो ये मैं शो बनाऊँगा ऐसा करूँगा फिर मैंने ये सोचा कि मैं डेली सोप नहीं बनाऊँगा मैंने कसम खाई अपनी माँ की जो है मैं ज़िंदगी में भूखा मर जाऊँगा <laughs> क्योंकि बहुत ज़्यादा उस लिए नहीं कि उसके लिए उस लिए कि बहुत टायरिंग काम है वो जो लोग वो करते हैं ना उनकी बहुत इज्जत होनी चाहिए क्योंकि वो रोज़ करना होता है और रोज़ उसका एक डिसिप्लिन होता है कि आप चाहे मर रहे हैं जी रहे हैं ये शो शूट होगा और ऑन एयर होगा उसमें कोई रोक नहीं सकता दोस्तों वो डिसिप्लिन का पार्ट है उसमें नहीं वो इतना ज़्यादा है और और क्योंकि कंजम्पशन है तो वो मैंने सोचा भाई ये तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मैं अपने हिसाब से जो कंटेंट दिमाग में थे वो करते 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 एक लाइफ में ऐसा टाइम आया कि जब इंडिया में सीरीज़ सीरीज़ का बवाल हुआ तो मैंने 2011 में एक सीरीज़ बनाई थी एम की उसका नाम था ट्रैफिक जिसको आई टी अवार्ड मिला था पाँच एपिसोड का सीरीज था जब सोनी का सोनी और जैसे ने एक टाइप नहीं किया था जिससे तो पाउडर ऑर्डर बना था उसके बाद तो हम लोग पहले तब पाँच 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 एपिसोड का शो था वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे फिर ये नया बवाल शुरू हुआ ओ टी टी और ओ टी टी का तामझाम झाम तो मैंने कहा भाई मैं भी करूँगा इसमें ये क्या बात होती है वो लोग कर रहे हैं वो लोग मतलब उस टाइम एक्सेल कम्युनिकेशन एक कंपनी है अनुराग कश्यप नेटफ्लिक्स तो मैंने भी एक शो इरास के साथ डेवलप करना शुरू किया और वो उस टाइम पे जब ऑनियर जिस दिन से उसको सुनाया गया अप्रूव हुआ और वो ऑनियर हुआ उसमें चार साल चले गए <laughs> चार साल बाद बना वो शो मुझे लगा इस साल बन मेरे मरते मरते तो नहीं बन सकता ये वो बन ही रहा था वो क्योंकि पहले उसका एक एपिसोड बनाया फिर उन्हें रोक दिया फिर सवा साल का टाइम लिया फिर स्टार्ट किया फिर सवा साल एक छः महीने शूटिंग फिर सवा साल बाद उसको रिलीज़ किया तो मैं तीन चार साल से एक ही काम कर रहा था मुझे लग रहा है पर वो जब जब क्या नाम से इनसाइडर जाया था उसके बाद सिक्रेट गेम्स आया था फिर मेरा शो आया था तो हम लोग शुरू के तीन चार लोगों में से थे पर वो तब मुझे पहली बार समझ में आया कि ये जिस प्रोसेस को कहते हैं ना सीरीज़ बहुत टायरिंग टाइम टेकिंग और बहुत पेशेंस वाली स्टोरी है वो वो रोज़ रोज़ नहीं बन सकता है मतलब एक एक कहानी बनाने में अगर तमीज़ से आप बनाएं तो आपके डेढ़ दो साल चले जाते हैं वो और वो पर मुझे वो अच्छा लगता है क्योंकि वो वो मुझे लगता है कि असली स्टोरी टेलिंग है अगर कहने पे कोई आय करने के लिए क्योंकि फिल्म जो है फ़िल्म एक और अलग प्रोसेस है और सीरीज़ एक दूसरी दु, दु, दुनिया ही है अलग और वो आ, अभी अभी बना रहा हूँ तो बना ही रहा हूँ पर यह कि वो उसने मुझे पूरा एक क्रैश कोर्स ऑफ लाइफ करा डाला <laughs> उस सीरीज़ ने और क्रैश कोर्स ऑन हाउ टू मेक इट अब मैं जो है कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसलिए जो आगे जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा इस शो का वो है क्योंकि इसमें वो सब बुरा हो चुका था जो एक काम में होना चाहिए मतलब कि जो है आ, Okay, क्या नाम से लोकेशन नहीं मिलने से शूटिंग के एक दिन पहले एक एक्टर एक की सास की डेथ होने से अब ऐसा लग रहा था अब कौन जाने वाला है मतलब वो रोज़ 120 दिन जो है वो लगातार एक एक्शन एक में चल रहे थे मैं सोचता था अच्छा आज का कुछ पहले एक 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 फिल्म का बड़ा अच्छा वो था जोक उसमें वो राज बब्बर के पास उनका एक आदमी आता है बोलता है सर आपके पास दो खबर लाया हूँ एक अच्छी और एक बुरी कहने लगे कान तरस गए अच्छी खबर सुने हुए तो कहन लगे आपका बेटा जेल से छूट गया है कहन वाह उससे अच्छा अब सुना बुरी खबर क्या कहन उसको जो है उसको आ, उसको जनेमा डाला है <laughs> तो वो वो तो तो, तो, तो ये सही एक फिल्म का एक फिल्म में था बहुत सीरियस फिल्म थी मुझे लग कॉमेडी जो महाराज अभी भी है नहीं, नहीं, नहीं लेकिन मुझे राज के आपसे याद आया एक राज की मैंने फिल्म जो देखी है जो मुझे याद है दूरदर्शन पर नहीं जो शनिवार को आती थी वो फिल्म में जहाँ आधे घंटे तक प्रचार ही आता था पहले और वो सब जो दौर था उसमें से एक किस्सा तो ऐसा जो मैं सुना नहीं पाऊंगा जब बत्ती चली जाया करती थी वैसा है वो कभी अलग से बाहर सुनाऊंगा वो तो लेकिन जब वो आता तो उसमें एक राज एक फिल्म होती है इसमें एक फैक्ट्री चल रही है बहुत बड़ी और फैक्ट्री में क्या होता है कि वो मशीन जो है पूरी चलना बंद हो जाती है तो राज आते हैं और वो जो सेठ मालिक होता है तो वो कहते हैं क्या तुम उसको ठीक तो कर सकते हो तो वो कुछ नहीं कहता है वो मशीन ऊपर छू छू के देखता है पहले हर एंगल से इंटरकटिंग होती है वो अपना सब देखता है फिर कहते हथौड़ा लाओ हथौड़ा लाते हैं वो देखता है फिर देखता है और एक जगह हथौड़ा मारता है मशीन चलने लगती है अब सेठ पूछता है कितने रुपए हुए तो सेठ के जो टोन होता है उससे राज बब्बर बोलते हैं एक हज़ार रुपये कहते हैं हथौड़ा मारने के एक हज़ार रुपये कहते नहीं हथौड़ा मारने के एक रुपये कहाँ मारना है उसके नौ सौ निन्यानवे रुपये राज बब्बर अच्छा एक्चुअली अच्छा, आज के बाद राज को मैं अलग नजर से देखूंगा <laughs> ये, ये ये वाला भी बहुत वैसा तो मुझे आज तक याद है क्या खबर दो स, दो खबर लाया हूँ एक अच्छी मैंने कहा भाई ये तो सही था उसको उसने मार डाला मैं एक्टर ना बोल गया तो बेचारा अभी अभी वो कहता कान तरस गया अच्छी खबर सुन कहना आपके बेटे को जेल से छोड़ दिया गया वाह ऐसा अच्छा कुछ ज्यादा है फिर उसको उसने मार डाला अरे <laughs> एक ही टाइम पे दो इमोशन <laughs> तो मुझे ये बताइए जैसे अब आप के नाम जब लोग सेव करते होंगे जब आपका नंबर जो भी सेव करता होगा तो उसमें आगे या पीछे कहीं पे कैपिटल पी में प्रोड्यूसर लिखता होगा ने लिखा लिखा पी वही है जो है अभी क्या एक्टर वाले में वैसे काफी चीज होती तो मतलब काफ़ी मैं इतना करता भी नहीं हूँ एक्टिंग वैक्टिंग कम कम खाओ वाला रहे तो अच्छा है वरना मुझे लोग पुलिस बना के ही छोड़ें <laughs> मेरे पापा का सपना अगर नहीं होता पुलिस बनाने का पर इन वो इन वो ये बॉलीवुड ने पुलिस बना रखा है हर सातवें दिन पे दो पुलिस की आती है स्क्रिप्ट हेलो जी कैसे हैं आप ठीक हूँ सर एक इंस्पेक्टर बहुत कमीना है अच्छा वो तो मुझे पता है कमीना है आप बताओ आगे सर की बार ना ये ये छोटा कमीना है एक बार कहा सर इतना कमीना नहीं है बीच चला है ठीक भी आगे जाके ठीक भी हो जाएगा फिर एक सर एक अच्छा इंसान है भोला पुलिस वाला है मैंने कहा भाई वो जो है वर्दी सिलवा के माँ प्रापू ऊप्रापू का बैज लगा लेता उत्तर प्रदेश पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस वर्दी में जो है सिलवाया था, था मैं इसलिए पूछ रहा था प्रोड्यूसर वाला जैसे हम पुराने जमाने में नहीं हिंदी फिल्मों की कहानियां सुनते थे कि राज कपूर साहब आए मुशायरे में गए या मुशायरा होने वाला भी होगा थोड़ी देर में और उन्होंने कहा अरे आप बड़ा अच्छा सुना रहे उनको फिल्म में चांस मिल गया तो जैसे आप प्रोड्यूसर हो पता चला कोई बाहर मिला और कोई दिखा कि अरे यार तुम तो बड़ा सही देख रहे हो एक्टिंग क्यों नहीं करते <laughs> <laughs> तो ऐसा आपका मैं जो जानना चाह रहा हूँ इस सवाल से कि भविष्य में एज अ प्रोड्यूसर मतलब एक्टर तो देखिए जो पुलिस वाले आते रहेंगे जाते रहेंगे <laughs> उनका लेवल ऑफ काम आगे पीछे होता रहेगा लेकिन एज अ प्रोड्यूसर आपकी क्या प्लानिंग है भविष्य में और किस तरीके का काम अभी आपको लगता है कि होगा अभी आने वाले दिनों में जिस तरीके का चल रहा है जैसे एक आप लोगों ने नई लकीर तो खींची दी है पंचायत से या उस तरीके के कॉन्टेंट से जो भी हो रहा है तो एज अ प्रोड्यूसर क्या प्लान है फैजल मलिक के मैं वो जानना चाह रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्टेंट जो आप दो हजार में अभी जो Uh, कुछ कंटेंट जो जो अभी इंडिया में हो रहा है उसका डिसीजन कोविड के टाइम पे लिया गया है उसमें से 60 70 परसेंट आप देखेंगे वो नहीं चल रहा है क्योंकि वो किसी लॉजिस्टिक की वजह से लोग लंदन चले गए यहाँ चले गए पर एक लोगों ने इसको कंटिन्यूसली करेक्ट कर रखा है वह मलयालम सिनेमा के लोग जो ऑनेस्टली तरीके से काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक चीज़ को हमेशा कंट्रोल में रखा है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और द फिल्म जो भी आप कहते हैं क्योंकि वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में ही ये फॉलो किया जाता है कि हम यही करेंगे उसका दूसरा पार्ट क्या होता है कि हम लोग ने हिंदी वाले अलग चीज़ करते तो जाके राइट्स खरीद लेते हैं तो ये ये जो है ओरिजिनल जो है करना चाहिए मैं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अब कंटेंट जो है अगला आने वाला जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि जो जो स्क्रिप्ट दस में से मतलब आठ नौ शो तो मैं जानता हूँ जो लोग लिख रहे हैं और जो अच्छा लिख रहा है मतलब इसने कहते हैं ना कि एजुकेटेड राइटिंग हो रही थैंक इनका भी हाथ है उसमें थैंक ताली बजाइए भाई ये जो है देवी सर भी उसका एक पार्ट है क्योंकि ये लोग जो नया 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 तरीका जो अभी आ रहा है स्क्रिप्ट राइटिंग में उसको आप देख के मजा आ जाएगा आपके पास एग्जाम्पल भी आ चुका है मोनिका ओमर डार्लिंग आ चुका है करेक्ट है देखा आपने कितना सही लगा अच्छा वो हर एक वर्क के लिए अच्छा ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेट्रो का फिल्म है यहाँ का फिल्म है उसको हर जगह देखा जा रहा है अभी फर्ज़ी आई देखी वो भी अच्छा है देखने में तो अब फिल्म भी अलग तरीके की हो रही है ये भी अलग तरीके का हो रहा है उसको जो क्योंकि क्या था कि एक बहुत चीज़ें जब ख़राब क्यों होती है, क्योंकि एक आदमी को लगता है कि वो सही बना रहा है ये अब ये ये प्रोसेस रहा नहीं है दोस्त आप बॉम्बे के एक बड़े से ऑफिस के अंदर बैठ के सोचें कि लखनऊ का आदमी ये पिक्चर देखेगा ऐसा है नहीं जब तक वहाँ की कहानी वाला आदमी उसे लिखेगा नहीं करेक्टली ये इसको तो मानना पड़ेगा ना दोस्त कि आप अपने कमरे से बैठ के जो है समझेरा नहीं बना सकते <laughs> वो नहीं देखेगा कोई है कि नहीं मैडमैक्स का छोटा भाई नहीं देखेगा कोई मतलब देख रहा है नहीं वैसे फिल्म का नाम इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये आप उससे क्या होता है कि आप कह रहे हो कि ये एकदम सही है जाके देखो इसे वो नहीं है ना वो नहीं देखेगा ना वो सही है तो अब क्या है कि उसके लिए उन्होंने तमीज़ से जो है राइटिंग को स्मार्टली फिक्स करना शुरू किया है सबसे पहले जो धरातल को ठीक करते हैं उसके लिए जो जो डिसीज़न अभी दो तीन साल में लिए जाने लगे हैं इन टर्म्स ऑफ राइटिंग उसका रिजल्ट आप 2023 के एंड तक में देखना शुरू कर रहे हैं एक दो फिल्म आप देखना देख ही रहे होंगे कि नए तरीके का राइटिंग है उसके पीछे जो, जो हर एक हर एक इंसान को वो कैटर करे उस स्टाइल से लिखना है वो एक साठ साल का आदमी देख के बोलता है बॉस क्या अच्छा शो बनाया हो बाईस साल का करके करेक्ट है तो ये स्टेप बाय स्टेप ये होने वाला है और आ, बस ये हो कि जो क्योंकि ये बहुत कम फेस के होता है फिर से पागल पढ़ना शुरू हो जाता है है ना इसका 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 इक, एक, एक आ, फेस भी आता है कि एक साल तक है चार साल खराब वरना कल भाई की फिल्म फिल्म फिल आएगी फिर से दो सौ लोग भूसा मारेंगे और ख़त्म हो गया फिर क्योंकि सारी दुनिया पैन इंडिया फिल्म बनानी चाह रही है हर एक आदमी देश को बचाना चाह रहा है मैं कल ही बताया था कि इतना जो है भारतीय गवर्नमेंट का भी नहीं बजट है जितना हम लोग का बजट हो गया है हमारे इतने ढेर सारे स्पाई हैं हर जगह वो कंट्री कंट्री टहल रहे हैं देश को बचाने के लिए कि भाई बचा लो इन सबको और वो मतलब उसमें से बताए कि नहीं इतना तो मतलब उनकी उसमें भी नहीं है आ, ये यू गवर्नमेंट के बजट में भी कि यहाँ की जाओ था चौदह सौ स्पाई हो गए हमारी कंट्री में जैसे बचा रहे हैं सब जा जा कर कहानी बना लो दोस्त सॉरी सर ऐसा मेरे को ये बताइए आप कि जो एक्टर होना होता है जैसे एक तो होता है कि आप ये एक हमेशा नॉर्मली फिल्म में कम से कम हीरो में एक्टर में जैसे बता रहे हैं फैजल भाई ना कि हीरो एक्टर आता है तैयारी रहता है चार लोग सर सर करके आते हैं और बहुत तैयारी लगती है वो पूरा माहौल बनाने में वर्सेज एज एक्टर जब नॉर्मली यहाँ पे शायद बहुत लोगों से शूटिंग देखी नहीं होगी लोगों ने कि जब वो कैमरे में ये दो लोग जब फ्रेम में देख रहे होते हैं पीछे यहाँ कम से कम सत्तर अस्सी सौ लोग खड़े होते हैं तो होते सौ तो होते ही हैं मतलब नॉर्मल टीवी सीरियल के शूट में सौ लोग खड़े होते हैं और उसके बीच में उस भाव में जाना वो एक्टर होना क्या होता है उसको क्या चीज़ बदल जाती जैसे वो एक्शन होता है वो क्या वो जरा थोड़ा समझाओ मेरे को इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि उनके मन में ना एक्टिंग का जैसे मेरा एक सीन है कॉलेज के वो कर लिया करोड़ों रुपए कमा लिए अमेरिका में घर बना लिया हर छः महीने मेरे को फ़ोन करता है यार डीपी मेरे को यार एक्टिंग करनी है है ना एक कीड़ा रह गया उनका तो मैं कह रहा हूँ आदमी शायरी करके भले मुशायरे में ना पढ़ पाए कम से कम पार्टी में दोस्तों को ही पढ़ ले तो वो जो एक्टर होने का क्या मतलब होता है आपसे अच्छा मुझे लगता है चूँकि आपने इतना अच्छा निभाया है उस चरित्र को तो वो क्या चीज़ होती है एक्टर होना मैं थोड़ा ना वेग तरीके से सवाल पूछ रहा हूँ ये मतलब थोड़ा कि मतलब मैं सही से वो चीज़ नहीं लेकिन मैं जानना चाहता हूँ ना कि जैसे कोई बोलता ना यार हम एक्टर हो गए एक तो होता है कि यार इन्होंने एक्टिंग की और एक होता है कि हम एक्टर हो गए जैसे वो चरित्र हो गए जैसे रघु रघुवीर रगु, रगु, सर से जब बात करो वो ऐसे जब बताते हैं कि ये गाना मैंने बीड़ी वाले से सुना था वहीं पे लगता है कि मतलब एक स्पिरिचुअल अनुभव हो जाता है कि यार वो कैसे वो गाना उन्होंने चालीस साल पहले जो सुना था वो अभी हमें सुना रहे हैं या वो जो लेके आ रहे हैं तो वो आप कैसे पिक करते हैं वो चीज़ें वो कैसे होता है जो छोटे छोटे एडवांस होते हैं वो क्या वो क्या कुछ प्रोसेस है मेथड है कुछ किताब पढ़ी है कुछ क्या मतलब कैसे है वो थोड़ा सा मतलब ऐसा बता दीजिए आप कि एक्टिंग का क्रैश कोर्स हो जाए इन लोगों का कि घर में झूठ बोलना पड़ता है ना हम सब लोगों को ठीक, थोड़ा बहुत तो कम से कम वहाँ पे ही काम आ जाए थोड़ा बहुत कि कहाँ गए थे ठीक अरे कहीं नहीं ऐसा टाइप ओके तो आ, मुझे ये बहुत हमेशा से लगता था कि अब मैं इसमें बिलीव भी करता हूँ कि आप ना क्राफ्ट जितना सीखना है सीख लो जब आप कैमरे के सामने होते हो वो सब काम नहीं आने वाला अगर उसको भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना तो बहुत ऐसा लगा कि ये बहुत क्राफ्ट में बंधा हुआ है अब बहुत हर चीज़ नाप जो कि अच्छा मैं ऐसे बैठूंगा अच्छा लगेगा कैमरे पे यह अच्छा लगेगा क्यों मुझे हम कभी समझ में नहीं आया कि हम कैमरे के लिए क्यों करते हैं एक्ट या फिर आप जब चूंकि मैं भी कैमरे पे ही अभी पाँच साल दे चुका हूँ तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ है ना तो मेरे जहन में ये आता है कि कोई एक्टर जब कैमरा सामने होता है तो उसमें अच्छा दिखने के लिए ही क्यों करता है अगर मान लो मुझे एक्स वाई जेड कोई भी कैरेक्टर दिया है मैं अपनी चरित्र को निभाऊंगा ना मैं कैसा दिख रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए है।, है ना और जब आप उस पात्र को समझ लियो हो, उसको अच्छे से जज्ब कर लियो हो ना तो आपका एक एक मूव कुछ भी करोगे ना फिर वो जो भी विकास राम रहीम जो मतलब सॉरी जो भी कैरेक्टर आप कर रहे हो वो होगा है ना तो ज्यादा ना आ, मत इसमें इसके क्राफ्ट में जाना सूट से सूट के वक्त सूट से पहले आपको जितना उसको प्रोसेस करना है कर लो जैसे समझना है समझ लो बट सब कुछ भूल पे भूल के आप कैमरे के सामने रहना तभी आप अच्छा कर पाओगे और मुझे हमेशा ये लगता है कि यार जब अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कोई एक्ट नहीं कर रहा हूँ ना तो इसी तरह जब कैमरा सामने हो एक्शन हो तो फिर आपको इसी तरह से रहना चाहिए बट उसके कुछ कुछ ढूंढने पड़ते हैं वो खुद से ढूंढने पड़ते हैं सुनो सबको सारे इंटरव्यू सुन लो सारी किताबें पढ़ लो लेकिन नहीं काम आता वो फिर आप उसी क्राफ्ट में फंसे रह जाते हो मैं ऐसे ही बोलूँगा ऐसे ही करूँगा मेरा ये साइड प्रोफाइल अच्छा दिख रहा है अरे सब बकवास की बातें कुछ काम नहीं आता जो और मुझे आ, एंड में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि यार एक्टिंग ना बस एक समझ है आपको कितनी अच्छी समझ है समाज को लेकर के लोगों को लेकर के आप किसी भी चीज को किस एंगल से देखते हो वही इंप्लीमेंट करना होता है और कुछ नहीं है और एक चीज और थोड़ा सा कि हाँ हाँ का पूरा अरे समय, अरे समय बस माइक दो रखे हैं एक चीज और कि एक्टिंग <laughs> जटिल जटिल नहीं है।, है ना तो ना ये जटिल चीजें नहीं है और ना इसको प्लीज बनाओ कई बार हम जब थिएटर के दिनों में रहते थे तो लोग बोलते थे अरे एक्टिंग करने से ना यहाँ से खून आता है बहुत मुश्किल चीज है हमारे टीचर बोलते थे कि यार इश्क करने से भी ज्यादा मुश्किल एक्टिंग है ये इतना डरा देते थे क्यों आज मेरे को ना उतना डर नहीं लगता वो एक समझ है एक्टिंग बहुत सरल चीज है ये सोच के अगर रहोगे तो बहुत अच्छा काम होगा ये पढ़ लो ये कर लो वो कर लो नहीं खो जाओगे जरूरत होगी तो वो पढ़ लोगे जरूरत तो आने दो है ना तो एक्टिंग बहुत सरल चीज है बहुत मजा आएगा बट आप ईमानदार हो सच में वो करना चाहते हो तब फेक बनना चाहते हो कि भाई लोग को मेरे को इंटेलेक्चुअल समझे मेरे को थोड़ा सा तो फिर मसला है है ना बस सॉरी सर थैंक यू सर। दो, दो चीजें पूछनी है इसमें एक तो वो टीचर का नाम बता दीजिए ताकि गलती से कोई हम लोग <laughs> नहीं पूछ नहीं। जाते हैं। हम सारे लोग जैसे मुंबई मुझे लगता है पूरी दुनिया का शायद इकलौता शहर है जहाँ पे जिस दिन आप पहली बार पहुंचते हैं और जैसे आप पहुंचते हैं वो एग्जैक्ट चीज याद रहती है वो डेट याद रहती है मुझे लगता है और किसी शहर के साथ ऐसा नहीं है ना वो डेट हम लोगों को हमेशा याद रहती है कई बार जब आप वहाँ पहुँचते हो और जब आपने शुरू किया जैसे आपने बताया वो रात में जैसे सोने से पहले ना जो एक बेचैनी होती है है ना तो वो क्या जैसे हम लोग ना मैं हमेशा मानता हूँ कि हर कहानी के ना तीन वर्जन होते हैं जैसे ना कि नहीं, एक नहीं। जो हम दूसरों को बताते हैं एक जो अपने आप को समझाते हैं है ना और तीसरा जो सच होता है ना तो लेकिन जब आप थकते हो वहाँ पे ना क्योंकि मुंबई शहर ना अपने आप में एक मैनेजमेंट का स्कूल है जो आपको रोज़ थकाता भी है जैसे मेरे को याद आ रहा है कि कादर खान साहब ने एक बार कोई इंटरव्यू में पुराना पढ़ रहा था कहीं मैंने रेफरेंस में ये चीज पढ़ी थी कि उन्होंने बोला बड़ा कि मुंबई में ना हर नाम की एक लहर आती है हर नाम की जो वहाँ पर बॉम्बे में स्ट्रगल करने आता है मुंबई में तो उस नाम की एक लहर मुंबई के समंदर में जरूर आती है बात यह है कि जब वो लहर आएगी तब तक आप उस शहर में टिके हैं कि नहीं है है ना तो जो मैं जो सवाल है चूँकि केवल एक्टिंग से रिलेटेड नहीं है हम सारे लोग अपने जो भी काम कर रहे हैं रेस्पेक्टेड चाहे कॉलेज में है, चाहे नौकरी कर रहे हैं चाहे कल सोमवार है तो अभी से साइक आउट होना शुरू हो गए होंगे कुछ लोग वो क्या चीज़ है जैसे हम लोग जो भी कर रहे होते हैं ना तो सोने से पहले न ख्याल आता है हम लोगों को रोज़ कि हम हमारी दिशा सही है कि गलत है तो दिशा वाला तो आपके केस में प्रॉब्लम नहीं था कि आपको पता था आपको करना है लेकिन फिर भी आदमी कई बार थक जाता है दिशा सही हो तो भी तो वो वो क्या कहानी है जो आप अपने आप को समझाते थे कि नहीं यार ये वर्क कर जाएगा वो जो भी एक होता है ना एक हम हम लोग एक कहानी बना के चलते हैं ना कि यार ये जैसे मैं जब किताब नहीं लिखता था तो मुझे जैसे मैं जित राइटिंग जितना मुझे थोड़ी बहुत समझ में आई है पिछले आठ नौ साल में वो ऐसा है कि जैसे हम जब कहानी लिखने जाते हैं तो मुझे कुछ पता नहीं होता है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना मैं हवा में कील ठोक रहा हूँ और यहाँ पर कोई दीवार नहीं है लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन यहाँ दीवार हो जाएगी

कि वो क्या चीज़ है जो आपको चलाती रहती है वो क्या कहानी आप सुनाते हो हो सकता है मेरा मैंने घुमा फिरा के बड़ा खराब सवाल पूछा हो लेकिन आ, वो क्या होता है ना कि हम लोग एक चीज है ना जैसे कहीं ना कहीं हमें पता रहता है ये हम सही कर रहे हैं ये तो चल जाएगा जैसे वो रामचरित में जो दोहा भी है ना वो कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर रखी छारी तो जो धीरज है धर्म मित्र और नारी सब तीनों एक्सटर्नल फोर्स हैं जो धीरज है वो हमारा अपना है है ना तो वो क्या कहानी आप अपने आप को समझाते हो जो बुरे दिन होते हैं है ना जैसे मान लो आप ऐसे जब शूट पे आप रहते हो तो कई बार डांट भी पड़ती है और वहाँ डेढ़ सौ लोग डांट सुन रहे होते हैं आपको ये होता क्या ना जब हम लोग देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि डांट खा के किया था सीने वाला आ, है ना आ, तो वो क्या चीज़ सुनाते हो कई बार मूड भी ऑफ हो जाता है ना क्या कर रहे हैं यार क्या मैं इन लोगों के साथ में मैं तो शूट पर रहता हूँ मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कि ये क्या हो रहा है यार यहाँ पे कितना डांट रहे हैं क्यों डायरेक्टर इतना गुस्से में और उनको होना ही पड़ता है तो वो आप बताइए थोड़ा कि वो क्या रात में आप कहानी सुना के सोते हैं अपने आप को कि अगले दिन फिर खड़े हो जाते हैं धूल झाड़ के देखो मुझे जैसे मैंने कहा ना कि मैं जिस जगह से हूँ ना मेरे लिए मुंबई पहुँचना ही बहुत बड़ी बात थी मैं सिर्फ जैसे मैं बताऊँ ना कि अगर मैं पटना में या कहीं भी देखता था कोई ट्रेन कि ये बांद्रा टर्मिनल लिखा हुआ है तो दिल करता जाके उस बॉगी को एक बार सर लगा ले कि ये वेंड्रा जाने वाली है तो इतना प्यार था मैं हमेशा मैप में ढूंढते ढूंढते रहता था मुंबई कहाँ है अपने फ़ोन में गूगल मैप पे जाकर के उसको जूम करके देखता अच्छा ऐसा मुंबई दिखता है तो इतना प्यार था मुंबई से मैं जब वहाँ पहुँच गया और जब मैं रात में कभी कभी सोया हूँ तो ये अच्छा मैं मुंबई में हूँ ओह मैं सोया हुआ क्यों है भाई कल जल्दी से सुबह हो मेरे को ऑडिशन जाना है और ऐसा लगता है कि आज के ऑडिशन में कुछ ना कुछ आज फिर कुछ मसाला डाल देंगे कुछ मज़ा आ जाएगा ऐसा लगता है कि यार इसके अलावा कुछ है नहीं मेरे पास खोने के लिए दिन दिन रात वही सब कुछ चलता था और सच पूछो तो तो आज मैं अगर आप लोगों के साथ बैठा हूं या फिर फिल्में कर रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूं ये अचानक से नहीं हुआ ये सब कुछ पहले से अच्छा ये चीज बड़ा अजीब सा सुनने में लगेगा आपको बट मैं ऐसे ही था मुझे लगता था कि ये सब चीज़ होने ही वाला है मेरे जीवन में आज ये सब चीज़ें हो रही हैं तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा क्योंकि ये तो होना ही था यार बचपन से यही मैंने देखा था भाई इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है डिजर्व करते थे है ना बहुत मतलब तो मिलना ही था यार और रही बात कभी सेट पे कुछ ऐसा होता तो हाँ कई बार ऐसा लगता था जैसे शुरुआत में जब मैं टीवी करता तो कई बार जैसे मास्टर हो गया तो क्लोज के लिए हाँ भाई वो कहाँ ब्लैक डायमंड कहाँ है बोला उसको अब अब एडी ढूंढ रहा है कहाँ है कौन सर कौन कौन ब्लैक डायमंड अरे वही जो लड़की का भाई बना है बुलाओ ना उसको तो मैं म, म, सर मैं यहाँ पे हूँ हाँ चल आ इधर आ जा। तो कई बार होता है या फिर कोई कई बार ऐसे मुझे हमेशा ये सर भी आप लोग भी एग्री करेंगे कि एक्टर ठीक है लेकिन अगर ना सेट का माहौल बहुत अच्छा हो या डायरेक्टर बहुत अच्छा हो तो आप अपना हंड्रेड परसेंट दे सकते हो हम क्या करेंगे नहीं करेंगे ये डायरेक्टर के हाथ में होता है सेट का अगर अच्छा माहौल है दोस्ती आ रही है जैसे मैं एग्जाम्पल पंचायत का ही लेता हूँ क्यों क्योंकि यार वहाँ पर ना हमारे राइटर और डायरेक्टर ने कहा था कि हम वहाँ शूट करने नहीं जा रहे हम जा रहे हैं मस्ती करने अगर आप मस्ती करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो हम दो महीने चिल करेंगे मन करेगा करेंगे नहीं करेंगे बस अपने हिसाब से और मेरे साथ जो भी मेरे कोएक्टर थे बहुत प्यारे फैजल सर के साथ कभी वर्कशॉप नहीं किया हमने और बहुत अच्छी केमिस्ट्री हमारी सेट पे बन गई तो ये सब बहुत नसीब वाला हूँ कि मुझे पहला ही काम इतना बढ़िया और इतने अच्छे लोग के साथ करने का मौका मिला कई बार अगर इस तरह का माहौल दूसरे सेट पर नहीं होता है तो मुझे लगता है इसको काम करने का तरीका नहीं पता यार इसको टी वी एफ से सीखना चाहिए कैसे काम किया जाता है है ना तो यही था सवाल नहीं सवाल तो खैर मैं भी था? मैं भी ऐसे ही कुछ कुछ भी पूछ रहा हूँ <laughs> <laughs> <को भी> स... <laughs> नहीं नहीं मैं तो कह ही रहा हूं ना हम लोग जैसे मोहल्ले मो... अब अब यहाँ से उल्टा शुरू करते हैं आ, हा, हा, अब जो है देवी सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लाइफ में लोग यहाँ भाई लोग बैठे हुए हैं अब आप बताइए कि चले नहीं 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 उल्टा नहीं थोड़ा सा बताइए कि आज के डेट में कोई अगर यहाँ पे का, 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 काफ़ी लोग मिलते हैं जिनको जो है आ, लिखना होता है है ना कुछ लोग तो होंगे ना लिख रहे होंगे कुछ लिखें कोई किताब लिखना चाहते हैं प्ले लिखना चाहते हैं हाथ तो मत के अच्छा नहीं लगता पर मुझे, पर आ, मुझे लगता है कि उनको आज अगर 2023 में वो लिखना शुरू करें तो किस किस बेसिक थाट को सोच के करें शुरू <laughs> दिल सर के लिए बजा दीजिए प्लीज मैंने मैंने इसलिए कहा कि हम लोग ऐसा बकर-बकर करेंगे बोल हो जाए कुछ अच्छी बातें जो है ना सुन के जाइए जिसमें थोड़ा सा तो थो भला हो है कि नहीं तो पहले जो 2023 में लिखना चाहते हैं तो जो पहली उनको राय है मेरी दो रुपए की वो ये है कि वो ना लिखें है न और न लिखें क्यों मैं बता रहा हूँ कि पहले तो देखिए मेरे पास ना बहुत सारे भी हम लोग दिन भर बुक फेयर में थे कोई बीस साल बाईस साल चौबीस साल का कोई आता है और बोलता है कि सर मैं लिखना चाहता हूँ तो मुझे लगता है ना 20 साल 22 साल 24 साल में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे जो आपको पहला क्लास इलेवंथ में टूटा हुआ प्यार होगा है ना जब ग्रेजुएशन में करोगे तो होगा आपके एक्सपीरियंस अभी बहुत लिमिटेड है है ना आप उनको और क्या होता प्यार के साथ अच्छी चीज़ क्या है कि दुनिया में सबसे क्लीशेड चीज़ प्यार है लेकिन हर आदमी को होता है है ना हर आदमी नया हो जाता है उसमें है ना तो हर आदमी जब उसमें नया हो जाता है तो उसको लगता है मेरा वाला जो है ना ये मेरा वाला पिंक सबसे अलग है ऐसा <laughs> जब मैंने जो कह से कबूतर ढूंढ लिया है ना आज से पहले तो किसी ने कबूतर ढूंढा ही नहीं है <laughs> तो मुझे लगता है कि आप जब एक वफा बीत जाए कई बार चीजें हम केवल रेट्रोस्पेक्शन में जाके समझ सकते हैं है ना कुछ चीजें तो आप उसको थोड़ा बहने दें मतलब जिंदगी में ना दो चीज़ें अगर हैं अगर जीना और उसको लिखना जिए हुए को तो जीना गहराई से ज़्यादा जरूरी लिखना कभी भी हो जाएगा क्योंकि ना लिखने में अगर आप शैलो हो गए ना तो कभी आप गहराई से जीने की आदत ही छूट जाएगी है ना आप जिससे मिलेंगे सोचेंगे अरे यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है अरे फैजल भाई का ये बड़ा सही है कि जो बात करते हैं ना ऐसे ऐसे करते हैं ये लिख दूँ ये कर दूँ आप ना वो गलत चीज़ पकड़ लोगे तो पहले तो आप लिखना डिफर करो जितना कर सकते हो जितना लेट हो पाए है ना अब ये उसकी दो वजह एक मेरा लालच भी है ना अगर अच्छा लिखने लगे तो मेरी किताबें कम बिकने लगेंगी <laughs> लेकिन फिर भी आप उसको डेफर करें दूसरी चीज़ कि जब आप पूछते हो ना कि मैं लिखना चाहता हूँ मैं क्या करूँ तो आप असल में क्या हुआ है ना एक नई जनरेशन ऐसी पैदा हुई जहाँ पे कई सारे चाहे ओ टी -टी में हो राइटर्स या किताबों में ना एक आइडेंटिटी बनने लगी कि हाँ यार ये भी तो एक काम है वरना जैसे हम लोगों से ही आज से अभी तक पूछा जाता था दो साल पहले तक अच्छा अच्छा लिखते हैं अच्छा अच्छा क्या करते क्या हैं है ना तो मतलब लिखना तो ठीक है वो तो गिवेन है लेकिन करते क्या है तो मुझे लगता है कि जो मेरी सारी लड़ाई है कि लिखते हैं और बस यही काम करते हैं वहां तक तो उसके लिए बहुत जरूरी क्या है कि आप तैयारी के साथ आए जैसे ना कई बार तैयारी का क्या मतलब अगर आपको नॉवल लिखना है और आपने सत्तर अस्सी सौ नॉवल नहीं इस दुनिया में अच्छे पढ़े हैं और उससे पहले आप अगर लिखने का सोच रहे हैं तो मतलब आप भगवान को तो जो धोखा दे ही रहे हैं लोग दे रहे हैं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं सबसे बड़ा भगवान तो वो है ना आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो अगर आपने एक किताब पढ़ कर सोचा ये तो मैं भी कर सकता हूँ ना तो वो इतना जैसे अशोका में जब वो चलाते थे ना तलवार जो इतना सिंपल दिखता है वो घंटों की मेहनत होती है जो इनका इतना इजी वो एक्टिंग इन दोनों लोगों की दिखती है उस पर कई महीनों सालों बीते हैं उसको दिमाग में जीते हुए सेम राइटिंग में भी वही अप्लाई होता है और तीसरी चीज़ जो है कि खूब पढ़ें और कभी भी ऑप्शन हो पढ़ने में और वर्सेज कोई चीज़ जीने में ना तो आपको अनुभव करना चाहिए क्योंकि और जो नए अनुभव हैं वो कभी भी डराएं ना आपको उकसाएं है ना कि ये मुझे अनुभव करके देखना है और जब आप अनुभव करके देख लेंगे तो जो आप दोबारा उसको रिलीव करेंगे तो उसको ना आप स्लो मोशन में देख के गहरा कर रंग भर पाएंगे उसमें वरना आप ना सादा सादा भरेंगे अभी क्या होता है ना हम लोग क्या और हुँ, हजारों फोटो हम लोग खींचते हैं और मैं आपसे पूछू पिछले फोन वाली फोटो कहाँ गई तो अब नहीं है जी पहले हम लोग छत्तीस फोटो खींचते थे है ना अड़तीस निकल जाती थी तो मतलब तो लाइफ ही बन जाती थी है ना है ना तो हम लेकिन अड़तीस हमें याद है वो एक एक फ्रेम याद है हम तो हम फोटो हमें अभी भी खींचनी है लेकिन जरा तैयारी वो छत्तीस फोटो वो थोड़ा रुक के करें तो यही है सर बाकी तो क्या है जीवन में क्या अपना है। क्या है जीवन में सब तो लिया उधार है सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार है अरे कमल जी की है, है अरुण कमल जी की है मुझे लगता है कविता है बहुत दिनों तो से सुनाने के चक्कर में था आज मौका मिल गया नहीं नहीं ये इतना ही याद है सर इतना ही था ये <laughs> इतना, ही था, इतना ही था इतना ही था सर ये इतना ही मुझे याद है इतना ही था ये नहीं मुझे लगता है ऑडियंस में बहुत लोग सवाल पूछना आप लोगों से चाह रहे होंगे तो हम लोग वो कर लेते हैं हेलो 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 है ना और उसके बाद फिर वाइंड अप भी करेंगे कोई अगला सेशन शायद होगा बताएं सर सब आपका वाला है बताएं। क्या <laughs> क्या बच्चा तो पहले कुछ चार पांच बुक बता दी जो आदमी पढ़ ले अच्छा ये 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 बता ये बता दीजिए तो तो इतना बता दी। तो जो पहली किताब किसी को भी पढ़नी चाहिए आ, आ, हिंदी में कम से कम अगर आप आ रहे हैं हिंदी में तो मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी की किताब है वो पढ़नी चाहिए और बायोग्राफी चूंकि हिंदी में कम लिखी गई है बहुत ज्यादा नहीं लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन जी की बायोग्राफी है क्या भूलू क्या याद करूँ वो चार पार्ट में है लेकिन पहला वाला पार्ट एक अलग आदमी ने लिखा है बाकी तीन पार्ट मुझे लगता है एक अलग आदमी ने लिखे हैं पहला पार्ट पढ़ना चाहिए आपको उसमें एक आध ऐसे अजीबो गरीब किस्से हैं आपको इतना मजा आएगा वो पढ़ने में आप एज अ पर्सन बदलेंगे वो किताब पढ़ते हुए तीसरी एक किताब है जो मैंने कम से कम पंद्रह बार पढ़ी है शेखर एक जीवनी अग्ह की किताब है दो पार्ट में है मतलब तीन पार्ट में किताब दो है पार्ट तीन है उसमें उसमें और शेखर एक जीवनी की मैं एक समय ऐसा था जब मैं कॉलेज में था तो मैं घंटों उसकी लाइनें सुना सकता था जैसे उसकी पहले पेज पे लाइन है वेदना में वो शक्ति होती है जो दृष्टि देती है स्कूलों में बनते हैं टाइप और वो बना व्यक्ति तपस्या तब नहीं शुरू होती जब आदमी शांति से बैठ पाए तपस्या तब शुरू होती है शांति से न बैठ पाए ऐसी हज़ारों लाइने उसमें बहुत फ़िलोसफी को पचा पचा के उन्होंने लिखा है तीसरी किताब जो मैं सजेस्ट करता हूँ मुझे लगता है मनोहर श्याम जोशी और राही मासूम रजा की कोई भी किताब कहीं से आप पढ़ सकते हैं और कहीं से भी कहीं से उठा लीजिए उनकी और आप जब पढ़ेंगे ना तो आप जानेंगे कि हमसे पहले जो लोग आए हैं धुरंधर लोग उन्होंने कितना सफाई से काम किया है बहुत बहुत अच्छा काम किया है मतलब राही साहब वगैरह के तो किताब की जो डेडिकेशन है वो पढ़ के आप कई दिन तक सोचते हैं कि इस आदमी ने जैसे गंगौली को डेडिकेट किया किताब या जैसे किया है अपने दोस्तों के उसमें एक किताब में तो एक ये भी डेडिकेशन था कि इमरजेंसी के दिनों में जब वो गिरफ़्तार हो सकते थे तो उन्होंने उन दोस्तों के नाम वो अपना स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में वो चल रहा था कॉन्फ्रेंस और उन्होंने विरोध जताया और वो खड़े होकर निकल गए और उनके साथ में पूरे कमरे में से चार पांच लोग और निकले और वो पूरी रात उनको डर था कि इन लोग गिरफ़्तार हो जाएंगे रात भर तो उन्होंने वो डेडिकेट की है वो किताब उस रात को कि वो डरते रहे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है ये कितनी बड़ी बात है कि वैसा तो मुझे लगता है ये चार पाँच चीज़ें हिंदी में अगर पढ़ना है तो पढ़ लें और बाकी एक नया लड़का है दिव्य प्रकाश दुबे <laughs> <laughs> तो उसकी भी किताबें कभी नंबर लगे तो गलती से थोड़ी बहुत हम लोग भी रॉयल्टी कमा लें <laughs> प्लीज तो। प्लीज आप लोग पढ़िए तो और बाकी ऑडियंस से सवाल ले लेते हैं जो भी आपने जिससे भी पूछना है बस बता दें किनसे आप पूछना चाहते हैं तो वो करें बताएं सर आप बहुत देर से नहीं नहीं था था वो था बिल्कुल तो था पूछे ये थे नहीं नहीं वो 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 था और, और हम लोग का शायद पहला दिन भी था शूट फर्स्ट डे शूट का था मेरा चंदन का और हम दोनों साथ में थे और भाई मैंने जो है मना कर दिया था मैं कभी ये मैं कर नहीं पाऊँगा क्योंकि पढ़ते ही लगा कि ये ये लोग पागल हो चुके हैं ऐसा कर रहे हैं शो के बारे में फ्लॉप नहीं होता क्योंकि वो कुछ और दुनिया में शो था कुछ और उसके बारे में आप पब्लिक है ना सोचती और वो लोग वंस अगेन जो मेकर थे वही कन्विंस थे क्योंकि शायद प्लेटफॉर्म को भी नहीं लग रहा था ऐसा कुछ होने को हो। ऐसा कुछ करना चाहिए एक्सपेरिमेंट शो के साथ मतलब मुझे ऐसा लग रहा था करते करते एंड तक जिस दिन जिस जिस दिन तक शूटिंग नहीं हुई थी बहुत फिफ्टी फिफ्टी था क्योंकि मुझे तो कहा कि मैंने चंदन और दीपक को बोला कि ये सब मत करो ये तो मेरे बस की नहीं है भाई ये तो मतलब ये और ये मुझे अब अभी ऐसे होते मतलब धीरे धीरे आए समझ में कि वो शॉर्टेट थे कि उन्होंने कहा था ये करना है उन मुझे लगा कि मैं ये एक्टिंग नहीं कर पाऊँगा मुझे ऐसा लगा पता नहीं कैसे हो गया वो पर वहाँ तक जो है पर वो डर का क्योंकि एक तो शो अलग दुनिया में जा रहा था कहीं वो अलग दुनिया का शो है फिर उन्होंने उन्होंने मुझे समझाया कि कहानी में कहानी के लोगों की भी कहानी होती है और ऐसा तो है नहीं जिंदगी भर लोग जो है खुश रहते हैं कुछ लोग जो है दुखी भी रहते हैं सबके घर में ऐसी चीज़ तो होती ही ना तो वो उन्होंने जो है मतलब कर दिया और हो गया अच्छा लग रहा है नहीं सर वो मुश्किल नहीं था वो तो मैं करने नहीं गया था तो कोई और करने गया तो भाग गया वो उसका पैंट पहन के मैंने किया है <laughs> तो वो मैं मैं उसमें कास्टिंग में नहीं था और कोई और करने आए थे भाई साहब सीजन तो थर्ड मैम था। अगले साल तक आ जाएगा था। था। जी 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 अभी इनका बच्चा भी होना है उसकी भी शादी होनी है उसकी भी शादी होनी है फिर ये जो है ससुर बनेंगे है कि नहीं वहाँ तक तो लेके जाना है इस शो को कि लोग जो है जो है आर टी आई दाखिल करके जो है बंद करवाएं इसे <laughs> वो यार थोड़ा तो सा टाइम लगा टफ था क्योंकि वो काफी टाइम तक चला वो इस समय मिलता नहीं था मतलब आ, से हम, हमारी आदत ये थी ना कि अच्छा हम दोनों ना एक ही वैनिटी में रहते थे तो बीच में डोर होता था तो हम हमेशा खोल खोल के रखते थे ताकि पूरा अच्छे से हॉल दिखे हम लोग उसमें चहलकदमी करें बहुत <laughs> बदमाशी करें तो जब इनका वो सीन होना था तो वो शायद तीन या चार दिन शूट हुआ था पांच दिन, दिन, तो दिन, तो दिन. हुआ हाँ। अच्छा हाँ बाद हाँ तो जो शुरुआत के तीन दिन मुझे याद है कि जो इंसान खूब मस्ती कर रहा आज हुआ क्या है भाई ये निर्गुण सुन रहे हैं <laughs> और इन्होंने वैनिटी वगैरह अपना लॉक करके कर रखा है तो मैं आया तो बोले भाई क्या भाई बंद कौन कर दिया है ने। तो जो मेरा मेकअप आर्टिस्ट था वो बोला क्या हो गया फैजल सर है उधर मैंने क्या फैजल सर है तो क्या हुआ अरे उनका आज सीन है ना मैंने कहा हाँ अच्छा ओ तो मूड में वो तो हाँ 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 हा। और ये निर्गुण सुन रहे हैं भरत शर्मा का निर्गुण चल रहा है इनके के में और भाई डर तीन दिन तक तो हम इनसे बात तक नहीं कर पा रहे थे और सच पूछे तो वो तीन दिन क्या होता था, था ना कि हम पूरा सेट सदमे में था जब हम शूट कर रहे हैं और वापस होटल जाते तो लगता है क्या हो गया है यार क्यों इतने मतलब हम लोग सैड सैड हैं शूट है यार वो हो गया शूट और वो एक ऐसा शमशान तो घाट ही था ना हम लोग तीन दिन वहीं पे शूट करते थे और रात में आके फिर नहाना पड़ता था बट वो माहौल सच में बहुत गमगीन था सेट पे कोई किसी से बात नहीं कर रहा चुपचाप से पा करके ब्रीफ दे दिया जाता हम वो सब कर लेते हैं ऐसा था वो वाकई बहुत टेंस था माहौल अच्छा हाँ जी जब बहुत बढ़िया सवाल है ये देखो यार हाँ जी हाँ जी तो उसके, उसके पीछे का उस, उसको कैसे हाँ ये चीज़ मेरे जहन में और बाकी लोगों के जहन में भी है बट देखो क्या ना कि वो मेरा मदर लैंड है है ना तो हम लोग ऐसे हैं कि वफा मतलब ईमानदारी वाले हैं वफ़ादार आदमी हैं आपके आपने मुझे मौका दिया है तो पूरी ज़िंदगी आपके साथ काम करेंगे चाहे कुछ भी दो यार फर्क नहीं पड़ता हम ऐसे हैं तो नहीं <laughs> की थी नहीं नहीं, मैंने कहा अभी नहीं बनना चाहिए सर टाइम आगे भी अगर एक या दो दिन का आप मुझे देखोगे तो वो चलेगा पब्लिक को भी पता है कि में काम करता है के, के लिए सीन एक्चुअली क्या था सीन पे जो है ना डिपेंडेंट कि नंबर ऑफ सीन से अगर अच्छा कुछ हो रहा होता तो मैं पाँच छह लाख का नाम गिनाता हूँ उनको चौदह सौ सीन मिला है कर नहीं पाया वो सीन क्या है वो वो एक कैरेक्टर वाइज इसका जो था वो बहुत अच्छा था पिक्चर्स एक ऑलरेडी बहुत बड़ा शो है और मेकिंग वाइज भी वो लोग जैसे हम लोग काफी बार करते हैं ऐसा तो अच्छा करेक्टर था जो हुआ जो और जो याद रखा गया सबसे हाँ पहले तो हाँ हाँ इसलिए थ्री में बहुत अच्छा उसका पार्ट आने वाला है एक सर वो छोटे सीन से मैं जोड़ दू एक फिल्म है नेटवर्क करके 1978 की उसमें एक तीन लोगों को ऑस्कर मिला उसमें उसमें एक, एक एक्टर जिनको मिला उनका अंठावन सेकंड का सीन था अंठावन सेकंड उसमें ले लिया उन्होंने सर ये खैर और सवाल आप पूछें इनसे टी एफ कैसे करता है मतलब मैनेज कैसे तो आप तो जैसे है, हाँ यार वो जब उनका सब तो पढ़ना पड़ेगा आपको जब से वो आए हैं ना वो कुछ लड़के थे जो अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के आ गए थे तो वो पहला सेक्रीफाइस था मैं उनको तब से जानता हूँ मेरे ऑफिस के बगल वाला ऑफिस था उनका और उनको क्योंकि वो इंडिया के जिस पार्ट से हम लोग जहाँ से दौर रखते वहाँ से आए थे जहाँ पे माँ बाप कहते हैं आईआईटी पास होने के बावजूद कोई नौकरी छोड़ रहा हो तो मतलब उसको मर मतलब कि उसको छोड़ देते वो आठ थे आठ एक दो नहीं आठ नौ थे तो वो करने के बाद उन्होंने जहाँ से अपने आप को पुल किया उसका पहला वीडियो देखिएगा वायरल फीवर का पहला लोगो देखिएगा और जब वो नया लोगों से लेके अब तक उसमें बहुत बड़ी एक जर्नी है और उस जर्नी को के लिए एक कहानी का तरीका जो उन्हें अपनाया जो उस टाइम बहुत बड़ा वैक्यूम था उसके लिए करना लोगों की वजह से और उसी पे सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से करते चले गए तो जहाँ दो थे वहाँ बीस हो गए और आज तो टशू उनके पास दो ढाई सौ तीन सौ लोगों की टीम है तो ये तो उनके लिए तालीम जानी चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया है और जब आप एक दिलद दिमाग से एक चीज़ करना सोच लेते हैं ना तो फिर वो होता है फिर हो चाहे कुछ भी हो जाए तो वो कर रहे हैं वो अच्छा है तो कि दो तीन हजार लोग उनके यहाँ देखो यार ओके अच्छा मैं थोड़े से हैं कि ये थिएटर के लिए है तो थोड़ा सा इसमें इसके जो क्राफ्ट हैं वो अलग है और ये सिनेमा है तो इसके लिए अलग है बट सच पूछो तो करना वही है आपको उसी जोन में रहना है उसी मूड में रहना है तो मुझे ना बहुत आ, एक्ट को ले अपने एक्ट अपने क्राफ्ट को लेकर के बहुत मुझे ऐसा नहीं कि इसमें ये करूँगा ये इसमें ना साइकिल चलाने आता है ना फर्क नहीं पड़ता तो रोड पे चला रहा है खेत में चला रहा है पगडंडी पे चला रहा है बस चला ले तो बहुत मेरे लिए नहीं है कि ये थिएटर का है ये कैमरे के लिए है नहीं फ़र्क पड़ता बस मुझे फ़र्क पड़ता है अपने कैरेक्टर को लेकर के ये कैरेक्टर कैसा है क्या करना है क्या क्या चीज़ मुझे नहीं करना है इससे मुझे फ़र्क पड़ता है आप मुझे कहीं भी कुछ भी करवा लो फ़र्क नहीं पड़ता यार